यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए उम्मीदवार दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन लाखों उम्मीदवार ऐसे हैं जो कई सालों की मेहनत के बाद भी इस परीक्षा में सफल नहीं हो पाते। ऐसा क्यों होता है? क्या कभी आपने सोचा है कि इतने सालों की मेहनत के बाद भी बहुत से उम्मीदवार सफल नहीं हो पाते हैं? इसके पीछे का आखिरी कारण क्या है? इन सभी सवालों का जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलेगा। उम्मीदवार सही रणनीति नहीं बनाते हैं और अपनी छोटी छोटी गलतियों से अपना आईएएस और आईपीएस बनने के सपने को खत्म कर देते हैं। आज की वीडियो में जानते हैं आखिर क्या है वो गलतियां जो हम यूपीएससी की परीक्षा में करते हैं, जिसे हमें करने से बचना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलेगी सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, साथ ही डेली करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस भी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण टिप्स उन उम्मीदवारों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और इस परीक्षा में सफलता पाना चाहते हैं और आईएएस आईपीएस बनने के सपने को पूरा करना चाहते हैं। यहाँ मैं आपको वो बातें बताऊंगी जिसे फॉलो करने के बाद आप उन गलतियों को करने से बचेंगे और अपनी तैयारी में इम्प्रूवमेंट ला पाएंगे। पहली, सही ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं चुनना। भले ही आपने अपनी ग्रेजुएशन के दौरान शानदार प्रदर्शन किया होगा, लेकिन यह यूपीएससी सिविल सेवा के लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता। वही यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी इस बात पर निर्भर करती है कि आप ऑप्शनल में कौन सा सब्जेक्ट चुन रहे हैं। सही ऑप्शनल चुनना परीक्षा को पास करने की कुंजी हो सकती है। सही ऑप्शनल चुनने के लिए सबसे पहले अपनी क्षमता को पहचाने और सोचे आपको किस सब्जेक्ट के प्रति अतिरिक्त झुकाव है। उदाहरण के लिए, यदि आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है तो सोशल साइंस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ चुने कि आपकी क्या रुचि है। उम्मीदवार हमेशा अपने जुनून और रुचि के सब्जेक्ट पर कड़ी मेहनत कर सकते हैं। किसी के कहने पर सब्जेक्ट का चयन बिल्कुल ना करें। बता दें, ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसे चुने जिसका स्टडी मटेरियल उपलब्ध हो। बिना स्टडी मटेरियल के आपकी तैयारी अधूरी रह जाएगी, इस बात का खास ध्यान रखें। दूसरा, गलत मीडियम चुनना। ऐसी भाषा में लिखें जिसमें आप कंफर्टेबल है। यदि आप भाषा में ठीक है तो इंग्लिश मीडियम चुन सकते हैं। वही इंग्लिश मीडियम में स्टडी मटेरियल ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध होता है। वही अगर आप हिंदी भाषा में कंफर्टेबल है तो आप उसे भी चुन सकते हैं। ऐसे कहने वाले लोग काफी होंगे जो कहेंगे कि हिंदी में कम लोग टॉप कर पाते हैं, लेकिन उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए वही करें जो आपका दिमाग कहता है। तीसरा, मेंटर या गुरु का ना होना। बिजनमैन फ्रैंकलिन का एक प्रसिद्ध उदाहरण है, मुझे बताओगे तो मैं भूल जाऊंगा, मुझे सिखाओगे तो मैं याद रखूंगा, मुझे शामिल करोगे तो मैं सीखूंगा। मेंटर की भूमिका यूपीएससी परीक्षा में काफी जरूरी होती है। मेंटर एंड गुरु आपको सही दिशा देते हैं और उस स्तर पर आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी सहायता करते हैं। मेंटर उनके आदर्श बनकर उम्मीदवारों को उनकी सीमाओं से ऊपर उठकर देखने में मदद करते हैं। आप उनके जैसा बनने के लिए उनकी तरफ देखते हैं और यह सोच आपको केंद्रित रखती है। उनकी निरंतर प्रेरणा और मार्गदर्शन आपको बेहतर तरीके से आपको तैयारी करवाने में मदद करती है। चौथा, समय प्रबंधन की कमी। यह शायद सबसे खराब गलती होती है और यदि ये नहीं किया जाए तो ये यूपीएससी की तैयारी में सबसे प्रभावी हथियार हो सकता है। हर तरह से एक बेहतर टाइम टेबल तैयार करें और उस पर टिके रहना सबसे महत्वपूर्ण है। उम्मीदवार विभिन्न विषयों के बीच अपने समय को नहीं बांटते हैं और एक ही विषय पर ध्यान देकर पूरा समय बिता देते हैं। ये महत्वपूर्ण है कि सभी विषयों और टॉपिकों के अध्ययन के लिए समय दिया जाए और अपनी तैयारी के समय को इनके बीच समान रूप से बांटा जाए। बिना सही समय प्रबंधन के पूरे तरीके से तैयारी नहीं हो पाएगी। यूपीएससी परीक्षा पास करने के लिए निरंतर बेहतर अध्ययन समय लगाना ही पड़ता है और यूपीएससी चयन सूची में इसे शामिल करें। पांचवा, कई किताबें इकट्ठा करना। उम्मीदवारों को ये समझना पड़ेगा कि एक विषय के लिए कई सारी किताबों को इकट्ठा करना किसी भी तरीके से आपकी सहायता नहीं करेगा। उद्देश्य सिर्फ किताबों को पढ़ना नहीं है, बल्कि उसमें दी गई जानकारी को समझना और याद करना है। सही तरीका ये है कि एक ही किताब को बार बार दोहराएं, जिसमें एक विषय के सभी टॉपिक कवर होते हों। कई सारे अध्ययन सामग्री या किताबें खरीदने पर पैसा बर्बाद ना करें। आमतौर पर उम्मीदवार बहुत सारी सामग्रियां खरीद लेते हैं और जब पढ़ने की बारी आती है तो वो आखिरी में कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखें कि यूपीएससी परीक्षा में मात्रा का नहीं बिल्कुल गुणवत्ता का महत्व है। इसका मतलब ये है कि क्वांटिटी डजंट मैटर, क्वालिटी मैटर्स। छठा, अखबारों में बेमतलब की खबरें पढ़ना। यदि आप एक आईएएस, आईपीएस या आईएफएस अधिकारी बनना चाहते हैं, तो शायद आपको जो पहली सलाह मिलेगी वो होगी अखबार पढ़ना।
लेकिन बहुत कम लोग आपको बताएंगे कि कैसे प्रभावी तरीके से अखबार पढ़े और अपना समय बर्बाद ना करे। उम्मीदवारों को जानकारी इकट्ठा करने के लिए करंट अफेयर्स के साथ साथ विषयों से संबंधित सही टॉपिक ढूंढने में माहिर होना जरूरी है। उचित लेख और खबरों को पढ़ना आपको अन्य उम्मीदवारों की तुलना एक बड़ा दिला सकता है, क्योंकि आमतौर पर प्रश्न पत्र वर्तमान के टॉपिक के आसपास ही तैयार किए जाते हैं। सातवां, परीक्षा सेंटर के चयन में देरी। वैसे तो हर उम्मीदवार चाहता है कि उसे उसकी पसंद का परीक्षा सेंटर मिले, लेकिन ऐसा हर बार संभव नहीं हो पाता है। ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है, जब भी UPSC अपना नोटिफिकेशन जारी करे, जल्द से जल्द आवेदन कर ले। ऐसे में वे आपसे शहरों के बारे में पूछेंगे जहां आप परीक्षा सेंटर लेना चाहते हैं। सबसे पहले उसी शहर का प्राथमिकता दीजिए जहां आप सेंटर चाहते हैं। आठवां, गलत रणनीति बनाना। UPSC की परीक्षा के लिए सही रणनीति महत्वपूर्ण है। इस परीक्षा को पास करने के लिए फोकस चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए, ये तो सभी कहते हैं, लेकिन इसी के साथ इस परीक्षा में सफल होने के लिए शुरुआत से सही चीजों का चयन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप सच में इस परीक्षा को पास करना चाहते हैं, तो आपको डे वन से हर चीज का चयन बारीकी से करना होगा, भले ही वो आपका लिखने वाला पेन ही क्यों ना हो। याद रखें, हमारे दिए गए टिप्स आपको मोटिवेट और सही सलाह देने के लिए बताए गए हैं। परीक्षा की तैयारी अच्छे से करना आपके हाथ में है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।